हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में। अगर आप एक सस्ती क्रिकेट किट खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें। मैं इस वीडियो में आप बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक सस्ती क्रिकेट किट खरीद सकते हैं। और ये जो किट है ये 3000 से थोड़ा ऊपर में ये किट पूरी पैक हुई है, तो मैं इसका रिव्यू दूंगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, तो सबसे पहले जो बात आती है वो बात ये बैग की। सो सबसे पहले बैग की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा बैग है और ये मुझे मिला है 500 रुपये में। मैं बात कर रहा हूँ ऑफलाइन मार्केट की। अगर इसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन इसे मैंने ऑफलाइन खरीदा तो ये 500 रुपये में मिला। तो ये बैग की बात होगी और क्वालिटी बैग की काफ़ी अच्छी है। तो अब इसमें जो अंदर इक्विपमेंट आते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो मेरे पैड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे SG के पैड हैं जो मैंने ऑफलाइन खरीदे हैं। और ये पैड मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1200 रुपये के पड़े हैं और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है पैड की। मैं इनसे काफ़ी खेला हूँ इसलिए मुझे ये पता है। और इन पैड को रखते साइड में, बाकी इक्विपमेंट देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा। अब बात आती है थाई पैड की। तो थाई पैड आप देख सकते हैं, ये थाई पैड सिंगल वाला है, डबल थाई पैड नहीं है। तो इस थाई पैड को, ये किट एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप एक बिगिनर शुरुआत करना चाहते हो तो इस किट को पूरा रिव्यू देखें। और ये किट जो थाई पैड पड़ा वो बहुत सस्ता पड़ा, ये 180 रुपये का थाई पैड मुझे पड़ा है। और अभी इसे रिसेंटली मैंने, अभी जल्दी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसे मैंने अभी ख़रीदा है, 1-2 महीने पहले ही ख़रीदा। और फिर जो आते हैं मेरे ग्लव्स, ये ग्लव्स भी काफ़ी चीपेस्ट। अगर आप इन ग्लव्स को ख़रीदना चाहते हैं तो ये ग्लव्स आपको 200 रुपये में मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी, इन्हें मैं खेल चुका हूँ, ऑलमोस्ट 2 ईयर होने वाले हैं इन ग्लव्स से और अभी तक ये अच्छी क्वालिटी में इनसे आप खेल सकते हैं। तो ग्लव्स को रखते साइड में। तो फाइनली अब बात आती है आपके हेलमेट की। तो ये मेरा हेलमेट है SS का, और SS कंपनी आपको पता ही है ब्रांड। SS का हेलमेट विराट कोहली भी यूज़ कर चुके हैं और ये उसी टाइप का कुछ लुक में दिखता है। अच्छा हेलमेट है और इसका प्राइस काफ़ी सस्ता है। तो इसका प्राइस मैं आपको बताता हूँ, इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये। तो गाइज, अब जो बात आती है वो है आपके एल्बो गार्ड की। और ये एल्बो गार्ड मैंने HRS का ख़रीदा था, ये मुझे 60 रुपये का पड़ा था। और ये मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल, जब से आया तब से 1-2 बार इस्तेमाल किया है। और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ये काफ़ी अच्छा इसे प्रोटेक्ट किया गया है। अब जो आती है वो आपके एल गार्ड की। एल गार्ड आपको 50 रुपये में मिल जाएगा, सस्ता एल गार्ड, SG कंपनी का बढ़िया एल गार्ड है ये। फिर सपोर्टर कुछ इनर बियर की आती है, सपोर्टर भी आपको मिल जाएगा 80 रुपये में, 70 रुपये में बढ़िया कंपनी का मिल जाएगा। फिर जो आपके किट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आपके बैट, क्योंकि अगर आपका बैट बढ़िया नहीं होगा तो आप कभी भी अच्छी तरीके से बैटिंग नहीं कर पाएंगे। तो बैट बहुत मैटर करता है। तो ये जो बैट मैंने ख़रीदा तो वो एज अ बिगिनर जब मैंने शुरुआत की थी उस वजह टाइम पे ये बैट ख़रीदा था, और ये बैट काफ़ी अच्छा है। तो गाइज़, ये एक SG ब्रांड का बैट है। आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने स्टिकर इसके निकाल दिए, और ये बैट 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन ये बैट बिल्कुल नया रखा है और काफ़ी ज़्यादा इससे मैंने खेला है और इसके स्ट्रोक काफ़ी बढ़िया है। मैंने इसे नॉक किया था अच्छी तरीके से, इस वजह से ये बैट अभी तक चल रहा है। और आप जब भी बैट पर खरीदें तो उसे अच्छी तरीके से नॉक जरूर करें, और ख़ासकर कश्मीर विलो को। कश्मीर विलो को मैंने अच्छी तरीके से नॉक किया और अब ये बेहतर क्वालिटी में। तो ओवरऑल ये पूरी किट थी, तो और ये चीपेस्ट किट है। अगर आप इसके टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपको पड़ जाएगी कुछ 3400 या 3300 रुपये के करीब ही पड़ जाएगी। तो ये काफ़ी बढ़िया और बेस्ट क्वालिटी की एक चीपेस्ट किट हो सकती है अगर आप एक बिगिनर हैं। फाइनली गाइज, ये बैट जो इसका प्राइस की बात आती, तो ये बैट मुझे पड़ा है 1200 रुपये में। और ये तो पूरी मेरी किट है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस पूरी किट को मैं आपको जल्दी से किटअप करके दिखाता हूँ। तो गाइज जल्दी से करते हैं किटअप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैट से। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया।